أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوه الله يستجاب لها يسر ولا توسر وتمن بالخير وبك نستعين يا فتاه يا فتاح اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع اپ استقبال الحمد لله ہم لوگ سیرت जमा हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों हम लोग की आज क्लास फिफ्थ है और अब अभी तक हम लोगों ने काफी बातें अल्हम्दुलिल्लाह सीरत के मुतालिक पढ़ चुकी हैं होपफुली आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है तो चलिए थोड़ा सा रिविजन करते हैं इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े तो रिविजन लास्ट टाइम जहाँ पर हम लोग रुके थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा की किफालत में वहां तक हम लोगों ने पॉज किया था इंशाल्लाह वहीं से कंटिन्यू करेंगे तो रिविजन करेंगे इस स्टाइल में कि आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगी और आप लोगों को जल्दी से उसके आंसर देने का है ठीक है ना इनशाला रेडी है आप लोग अच्छा तो अभी ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा की किफालत से पहले किसकी किफालत में थे किसकी किफालत में थे अपने दादा की किफालत में थे वेरी गुड तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की किफालत में तकरीबन टू इयर्स रहे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज एट इयर्स की थी जब आपके दादा का इंतकाल हुआ तो तब जाकर फिर अबू तालिब यानी के चाचा की किफालत में आ गए अच्छा उससे पहले किसकी किफालत में थे उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा की किफालत में थे और उससे पहले बीबी हलीमा की किफालत में थे डाई और आप सल्लल्लाहु वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आपके अबू का इंतकाल हो गया था अच्छा तो आपके वालिदा का नाम क्या है आप लोगों तो को याद है जल्दी से बताइए चलिए माशाल्लाह ये तो सबको मालूम होता है आमिना बिनते वहाब राइट तो उनका जो है नाम था आमिना बिनते वहाब और हलीमा की जो गोदी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश पाई कितने टोटल कितने इयर्स आप बीबी हलीमा सादिया के गोद में रहे फोर इयर्स राइट अच्छा तो फोर इयर्स किस तरीके से हुआ भाई दो साल तो दूध के होते हैं बस दो साल ही रदा, रदाद की पीरियड होता है तो फिर आप सल्लल्लाहु इयर्स कैसा आप गुजारे क्योंकि बीबी हलीमा जब देखे कि बहुत ज्यादा आपके घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बरकते हैं तो वो नहीं चाहती थी कि आपको दूर करें और फिर वो मोहब्बत भी आप सल असलम से खास हो गई थी तो फिर उन्होंने मजीद इजाजत लेकर वापस से अपने घर लेकर गए और आप सल्ला आप सल्ला उम की मौजूदगी की वजह से बीबी हलीमा सादिया के घर में क्या बरकतें थी खैर और बरकतें उनके जिस्म में उनके बकरियों में उनके ऊँट में उनके जो है घदी जिस पर वो सवार थे तो हर चीज में उन्होंने अपने घर में वो बरकतें देखी थी राइट तो इसीलिए वो अपने से दूर नहीं करना चाहती थी अच्छा फिर उसके अलावा उनके अच्छा बीवी हलीमा सदिया के जो हस्बैंड थे उनका नाम क्या था उनका नाम क्या था बताइए जल्दी से हारिस राइट हारिस बिन अबुल अब्दुल था उनका नाम और फिर आप वसल्लम के रजाद भाई बहन का नाम जो बीबी हलीमा से थे वो कौन थे अब्दुल्ला जो साथ में ही दूध पिए और फिर उसके अलावा जो नाम आते हैं वो उनैसा और शाइमा आते हैं अच्छा कुछ लोग जो है शाइमा को शीमा पढ़ते हैं शीन या आ, मीम है और फिर अरबिक में क्योंकि उर्दू में जो आ, रहता ना कि जबर जेर नहीं होता तो आ, या की वजह से तो शीन आ, आ, या अगर जबर है तो शाही हो जाता वो अगर जेर है तो शी हो जाता ठीक है ना तो इंग्लिश में अगर नाम देखेंगे तो शाइमा आता है तो बहरहाल हम इस, इसीलिए शाइमा लेते हैं अच्छा फर्स्ट जो आपके जो फर्स्ट मदर थे जो सबसे पहले दूध पिलाए वो कौन थे अबू लहब की जो लॉन्डी थे शोबा उन्हों आपको सबसे पहले दूध पिलाया अच्छा उसके अलावा हम लोग क्या क्या देखे थे इससे पहले की क्लासेस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम देखे थे अलग अलग राइट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम है मोहम्मद जो नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका माने क्या है तारीफ किया गया ये कौन रखे थे मोहम्मद नाम किसने रखा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अबू अब्दुल मुतलब ने रखा था राइट अच्छा उसके अलावा जो नाम हदीस से हमको मिलते हैं सिफाती नाम भी है तो वो क्या है कि अहमद माही राइट हाशिर आकिब ये सारी नाम हम जो है लास्ट टाइम फिफ्टी नेम्स हम देखे थे स्लाइड चेंज करिए तो फिफ्टी नेम्स हम देखे थे नबी नबी तोबा और मुखफ़ी बशीर नज़ीर राइट स्लाइड चेंज अच्छा उसके अलावा जो हम हम आपको मुबशिर भी नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलता है शाहिद मिलता है मुदस्सिर मुजम्मिल और फिर ठीक है ये सारे नाम हमको हदीस से हदीस की रोशनी में मिलते हैं अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में भी हमको रिवायतों से हदीस से हमको मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाश आमुल फिल में हुई पचास या पचपन दिन पहले और फिर कौन सा दिन था वो हदीस में भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेरी जो पैदाइश है वो मंडे के दिन हुई राइट तो उसकी हदीस भी हम लास्ट टाइम देखे थे और और क्या था भाई आप वसल्लम के जो अबू थे उनका वालिद का नाम क्या था हजरत अब्दुल्ला राइट अच्छा तो हजरत अब्दुल्ला के अबू अब्दु का नाम क्या था याद है आप लोगों को अब्दुल मुत्तलिब उनके बारे में डिटेल हम लोगों ने पढ़ा था ना अब अब्दुल मुत्तलिब के बारे में उनका नाम शैबा था किस तरीके से उनका नाम अब्दुल उनका नाम कैसा पड़ा वो देखे और उनकी जिंदगी में जो अहम वाक्यात है यानी कि जमजम की खुदाई का वाक्य है और फिर जो है जुबा का जो वाक़ है वो हम देखे फील का वाक़ ये सारी हम लोगों ने देखा था राइट ये ये मैं फास्ट रिविजन आपको क्यों करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को सारे वाक्यात बिल्कुल भी फिर से जहन में आ जाए फिर से सारे वाकयात आपके अः जहन में यानी कि फ्लैश हो जाए राइट और फिर उसकी डिटेल्स जैसा अलहमद हम लोग पढ़ रहे हुए हैं तो सारी डिटेल्स आपको होपफुली याद आ जा रही है अलहमद अच्छा फिर उसके अलावा उन उनके जो फादर थे अः अब्दुल मुतलिब के जो फादर थे वो कौन थे हाशिम थे राइट अच्छा हाशिम का नाम हशम लकब के तरीके से पड़ा और फिर उनका नाम ओरिजिनल तो अमरो था और फिर किस तरीके से उन उनको जो पोजीशन अल्लाह ताला ने अदा फरमाई थी ये सारी चीजें हम देखे और फिर वादी बताह का उनको सरदार कहा जाता था राइट और फिर उनको किस तरीक़े से हाजियों की वो सारी मदद सारी मेहमान नवाजी करते थे और साथ में गरीबों की भी वो बहुत परवाह करते थे इसीलिए जब अः साली का वक्त आया तो उन्होंने खास इंतजाम किया ना खाने का उन लोग सारे लोगों के लिए इंतजाम किया अच्छा उनके जो फादर थे वो कौन थे दी हीरो हुसाई, राइट खुसई के बारे में भी हम लोग पढ़े थे जिसका ओरिजिनल नाम जैद था ओके okay? और फिर उनकी सारी जो यानी कि अचीवमेंट्स थे वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा किस तरीके से वो पहले तो शाम में थे और शाम से कैसा वो मक्का आए और मक्का आकर कैसा शादी करे और कैसा अपना मुकाम मक्का में बनाए और कैसा पूरे जो खुराश कबीले को फिर वापस से उन्होंने मक्का में जगह किस तरीके से फराहम किया ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं हाँ मुतवली है, काबा थे नदवा का उन्होंने तामीर की थी ये सारी चीजें कीज उनके हाथ में आ, होती थी रिफादा से सारी चीजें उनकी जिम्मेदारी थी ठीक तो तो है तो ये सारी चीजें पढ़ लिया अब इससे पीछे अगर हम लोग जाएंगे तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम वो सारी बातें भी हम लोग देख चुके हैं तो ये रिविजन होपफुली आप लोगों के लिए बेनिफिशियल था सारी बातें आप लोगों को याद आ गई होंगी इंशाल्लाह अभी हम लोग चाचा की किफ़ालत से आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है ना तो जैसा हम जानते हैं कि जो चाचा थे आप सल के जो सगे चाचा थे वो कौन थे अबू तालिब थे राइट सगे चचा थे और बहुत ज्यादा अपने भाई से मोहब्बत भी करते थे और फिर जब अब जो जो अब्दुल्ला थे उनके इंतकाल के बाद तो ज्यादा यानी कि आप अबू तालिब का जो रुझान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बहुत ज्यादा और भी ज्यादा हो गया बहुत ज्यादा अपने औलाद से ज्यादा बढ़कर मोहब्बत करते थे और ख़ास तौर पर जब आपने उनकी किफ़ालत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब साथ में रहते थे और देखते थे कि अबू तालिब के किस तरीक़े से बहुत यानी कि उनकी खुद भी औलाद थी ना अबू तालिब की भी तो खुद औलाद थी और उसके अलावा भी एक जनरली जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके के नेचर के होते हैं और कैसी यानी कि उनके अंदर शरारत भी होती है या फिर खाने पीने के टूवर्ड्स किस तरीके से रुझान होता है आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं ये सारी चीजें हैं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे अबू तालिब के बिल्कुल भी अलग तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक है किरदार है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि बच्चे हैं छोटे हैं अभी फिर भी आपके आप कितने ज्यादा मेच्योर थे और कितने ज़्यादा संजीदा थे कितने ज्यादा वसत से आप सलील उसम काम लेते थे और फिर कैसे कनात पसंद थे थोड़ी सी चीज में सेटिस्फाई हो जाते थे कभी कोई चीज की डिमांड नहीं करते थे तो ये सारी चीज़ें अबू तालिब जब देखे तो फिर क्या क्या है कि आप के अंदर यानि कि आपके दिल में अबू तालिब के दिल में अल्लाह ताला ने और भी ज्यादा मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टुवर्ड्स डाल दी यानी कि एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का जो मिजाज था वो अबू तालिब के दिल में बहुत ही बड़ी जो है जगा कर गया यहाँ तक के वो अपने औलाद से भी ज्यादा आप सल्ला को तरजीह देते थे अब अबू तालिब की अगर हम औलाद देखेंगे तो आपकी जो औलाद थी वो सबसे बड़े जो बेटे थे अकील थे उसके बाद सेकेंड तालिब थे जिसकी वजह से अबू तालिब का लकब बना अब यहाँ पर देखिए कि अब अ, 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 जो अब्दुल मुतलिब है उनके बेटों के बारे में फर्स्ट लाइन में आपको नजर आ रहा पहले हारिस फिर हमजा फिर अबू तालिब अब्दुल्ला अबूल अहब आ, अब्बास और जुबैर ठीक है ये कुछ नाम चंद यहाँ पर है और फिर उसमें देखिए अब अबू तालिब के नीचे आप देखिए अः यहाँ पर स्क्रीन पर कि उनके जो बेटे थे कौन कौन थे एक तो तालिब जिसकी वजह से उनका लखब कुनियत बनी अबू तालिब ठीक है अब यहाँ पर अबू तालिब का ओरिजिनल जो नेम था वो तो हम नहीं जानते बहरहाल उनकी कुनियत से ही उन्होंने मशहूर हुए तो आ, कुनियत एक्चुअली अः सबसे आ, जो है यानी कि बेटे के अः नाम पर जो है कुनीत अक्सर रखी जाती है और यूजुअली एल्डस्ट सन के नाम पर जो है रखी जाती है तो अबू तालिब के जो बेटे थे तालिब उनके नाम पर अबू तालिब का कुत बनी फिर उसके बाद उनके दूसरे बेटे थे अकील और फिर जाफर और फिर अली ठीक है ना अब यहाँ पर तालिब का तो बहुत जल्द इंतकाल हो गया अलबत्त अकील जाफर और अली रज ये सारे जो है बाद में ईमान कबूल करे उसके अलावा उनकी जो है दो डॉटर्स के बारे में भी आता है कि उनको जो है दो डॉटर्स भी थे अच्छा उस अब यहाँ पर देखिए कि अब ये आ, सारी औलाद आपके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ, उनके घर पर पल रहे हैं पर सारी औलाद से बनिस्बत अगर कंपेयर करेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था और फिर सल्लल्लाहु आप वसल्लम इसी तरीके से अपनी छोट यानी कि कमसिन उम्र के बावजूद भी कभी भी आप अबू तालिब के ऊपर वो बोझ नहीं बने हमेशा कोशिश करते थे कि, कि किसी ना किसी तरीके से अब की वो मदद करे अब देखिए गौर करके देखिए कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत की है जैसा लास्ट क्लास में भी आपको बताया आप लोगों को बताई थी मैं कि अल्लाह ताला ने पहले वालिद का इंतकाल हो गया और पहले ही यतीम हो गए इतने यानी कि ये ये हाल था कि कोई जो ब्रेस्ट फीट करने वाली जो औरत थी यानी कि जो दाइया थी वो आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी कि एक यतीम बच्चे होने के नाते लेने के लिए भी जो है तैयार नहीं थे राइट यानी कि अब आप देखिए कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की और फिर क्या है कि यतीम थे और फिर फिर माँ का भी इंतकाल हो गया फिर जो है दादा का भी इंतकाल हो गया और इसका रीजन अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं जो भी हिकमत है पर हमको जो आ, समझ में आने वाली जो उल्मा इक्राम बताते हैं वो ये है कि आपको स्ट्रांग बनाने के लिए राइट अब देखिए कि यहां पर भी ये भी सिचुएशन आप देखिए कि चाचा की किफालत में किसी और के घर में पलना और किसी और के घर में उनके सगे बच्चों के साथ पलना इसमें भी आप देखिए कि कैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत हो रही होंगी और और ऐसी सिचुएशन में हम में से कोई और भी हो सकता है राइट तो हम यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये सिचुएशन में थे उसकी वजह से हम क्या है कि अपने आप को

ना होता है बाज वक़्त दादा या फिर मामू या चचा के घर में पढ़ाई की वजह से रहना पड़ सकता कुछ भी रीजन हो सकता है अपनी अपनी जिंदगी में पर यहाँ पर देखिए कि अल्लाह ताला अगर आपको ऐसी सिचुएशन में रखे तो उसके लिए कभी भी मायूस नहीं होने का है गमजदा नहीं होने का है परेशान नहीं होने का और ये नहीं समझना कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा मेरे देखिये अल्लाह तला के जो रसूल है सल अल्लाह वसलम जिससे अल्लाह तला सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं उनको अल्लाह तला ने ऐसी ऐसी सिचुएशन से गुजारा तो आपके और मेरे लिए ये बहुत बड़ा क्या है एक धारस है एक अल्लाह तला यानी कि एक ये ये वाकियत में हमारे लिए दिल की मजबूती है और ये सोचना है कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये हालात से गुजरे हुए हैं और आपने किस तरीके से अमल किया है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ये हालात से गुजारे एक हमत की वजह से तो मेरे साथ भी ये हो रहा तो इसके पीछे जरूर बस जरूर कुछ ना कुछ अल्लाह तला की छुपी हुई हिकमत है जो अब मुझे नहीं समझ में आ रही पर आगे मुझे समझ में आएगी तो आप ऐसी सिचुएशन में रहने से क्या हुआ पेरेंट्स से दूर अब देखिए पैम्पर्ड चाइल्ड कैसा रहता और फिर एक पेरेंट से दूर रहने वाला कैसा रहता और फिर वो किस तरीके से अल्लाह ताला ने स्ट्रॉन्ग मैच्योर और फिर रिश्तों की खदर करने वाला सबर करने वाला आप वसल्लम के अंदर शेयरिंग की आदत आ गई सैक्रिफाइस की आदत आ गई आप सल माफ करने वाले दरगुजर करने वाले जो, जो है बन गए और फिर इंडिपेंडेंट बन गए और फिर कंपैशनेट यानी कि दूसरों की तरफ जो नरमी मोहब्बत होती है तो वो सारी क्वालिटीज अल्लाह ताला ऐसी सिचुएशन से गुजार के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर डेवलप करे ठीक है ना अच्छा फिर उसके बाद अब ये ए ये एज क्या है आप अलैहि वसल्लम की आठ साल के बाद की एज है राइट अब उसके बाद हम आपको एक और एक वाक्य आप सल्लाम के बचपन में मिलता है जब आपकी उम्र तकरीबन नौ से बारह साल की बताई जाती है और फिर जो हम बुक रेफर करें उसमें बारह साल की उम्र बताई जा रही है तो देखिये कि ये आ, अब ये जो है ना नौ से आठ साल से एकदम से बारह की तरफ शिफ्ट हुए क्योंकि हम जानते हैं कि सारी डिटेल्स लिखने के लिए कोई मौजूद नहीं था बस यहाँ वहाँ जो है छोटे छोटे वाकयात हम आपको आप की से, से जिंदगी के यानी कि नबूवत से पहले हमको मिलते हैं हाँ अलबत्त नबूवत के बाद और फिर मदनी जिंदगी के वाकयात डिटेल में भी आते हैं और साथ में सन्नत के साथ आते हैं यानी कि बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ हमको बाद के वाकयात मिलते हैं अब ये जो शुरू के वाकयात है ये थोड़े से यानी कि बहुत ज्यादा गैप गैप के बाद एक दो एक दो वाकयात यहाँ वहां मिलेंगे हमको और दूसरा इनकी ऑथेंटिसिटी का भी जो है जब तक हदीस से साबित ना हो हम इसकी श्योरिटी भी नहीं बोल सकते खैर अब यहां पर क्या है मुल्क शाम का सफर और बुहरा जो मोंग था जो राहिब था उससे मुलाकात का एक वाक्य हमको मिलता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बारह बरस की हुई और कहा जाता है कि कुछ और भी ज्यादा और कम एज थी जो भी तो अबू तालिब क्या करे तिजारत के लिए मुल्के शाम जाने का इरादा करे तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का इजहार किया कि आप मुझे यहाँ पर छोड़कर चले जा रहे पीछे और मैं आपके बगैर नहीं रह सकता तो आप भी मुझे अपने साथ लेकर जाए तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से इसरार किया क्योंकि

यानी कि अगर यहाँ पर हमारे दरमियान जो किड्स मौजूद है बच्चियां मौजूद है अनमैरिड बच्चियां मौजूद हैं तो उन लोगों के लिए भी मैरिड के लिए भी है कि अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अपने वालदेन से मोहब्बत का इजहार ना करें या मोहब्बत ना दे या वो ड्यू रेस्पेक्ट ना दे और एक्सपेक्ट कर रहे कि वाले हमसे मोहब्बत करें बस अनकंडीशनल हमारे अम्मी अबू हमसे मोहब्बत करें ही करे तो फिर ये क्या है गलत बात है राइट और उसी तरीके से आपके फिर शादी के 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 बाद भी या इन लॉस होगा हो तो आपको देना पड़ेगा तो आपको इन रिटर्न फिर मोहब्बत मिलेगी तो अक्सर क्या है वालदेन से हम वो मोहब्बत नहीं करते और एक्सपेक्ट करें कि नहीं अम्मी आप हमसे मोहब्बत करें अबू आप हमसे मोहब्बत करें तो तो ये चीज़ नहीं होगी, राइट तो फिर अब यहां पर देखिए कि तो छोड़िए दूर की बात अगर गैर भी है और अगर आप उनसे मोहब्बत कर रहे तो डेफिनेटली फिर आपको इन रिटर्न मोहब्बत मिलेगी तो अब आप सल अपने चचा से मोहब्बत कर रहे आपको इन रिटर्न आप, आपके चचा से मोहब्बत मिल रही राइट अच्छा तो फिर अः यहाँ पर आप सल्म बोले कि नहीं आपके बगैर मैं नहीं रह सकता तो लिहाजा आप अबू तालिब का भी दिल आदा आदा हो रहा था छोड़कर जाने के लिए तो अबू तालिब भी आप सल्ला को अपने साथ लेकर चलते हैं और फिर जब काफिला शाम की जब तरफ बढ़ रहा था तो एक जगह पर काफिला ने पड़ाव डाला बसरा के मुकाम पर ठीक है ये शहर बसरा का मुकाम था वहां पर करीब में पड़ाव डाला और वहां पर एक बहेरा नाम का बहेरा या फिर बहिरा दोनों नाम आते हैं तो बुहरा नाम का एक ईसाई अः राहिब था ठीक है मॉन्क था और वहां पर वो अपने गिरजा में रहता था और से भी नहीं करता था और अचानक से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो काफिला जब वहां पर पहुंचा और रुके तो फिर वो अपने यानी कि जो उसकी क्या बोलेंगे गिरजा था उसमें से वो बाहर निकल कर आता है और तेजी से आकर जो है ढूंढता है कि कहाँ है वो शख्स कहाँ है तो फिर वो वो टाइम पर बताया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि अपनी जो है ऊँट चराने के लिए गए हुए थे तो वो बताता है कि नहीं यहाँ पर कोई एक खास शख्स है जिसका नाम जो है इस तरीके से मोहम्मद है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर यहाँ पर वो बुलाता है आप सल अल्लाम से मुलाकात करता है और वो कहता है कि दुनिया के सरदार हैं परवर दीगार आलम के रसूल हैं और अल्लाह उन्हें रहमत आलम बनाकर भेजेगा तो अब ये बात कौन बोल रहा बोहरा जो मोंग था वो बोल रहा तो वहां के जो काफिले के लोग हैं उन्हें उन लोग ये पूछते हैं कि तुम क्या हिसाब से ये बात बता रहे हो अब देखिए कि नोट करिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बहुत छोटी है तकरीबन ट्वेल्व ईयर्स की आपकी एज बताई जाती है उससे कम भी बताई जाती है तो बहरहाल इतनी छोटी उम्र के बच्चे के बारे में जब उन्हें ये कहता है तो फिर लोग बोलते कि क्या हिसाब से तो वो कहता है कि मैंने ये नोट किया शायद तुमने नहीं किया कि तमाम जो इर्द गिर्द के जो पत्थर है और जो झाड़ है वो क्या है कि गोया के सजदे में जैसा आ, क्या है कि आप साया देने के लिए जैसा झुक जाते हैं गोया के सजदे की हालत में जो है महसूस यानी कि झुके हुए मुझे नजर आए और दूसरा वो ये कहता है कि मैं इवन उनके जो जिसम पर मोहर नबूत है जो आप सल्ला के शोल्डर्स के दरमियान थी कंधे के नीचे नरम हड्डी के पास जो है सेब की तरह एक मोहरे नबोत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके ऊपर यानी कि गोश का हिस्सा उभरा हुआ था और उसके ऊपर जो है छोटे छोटे बाल भी थे जो बाद में या, यानी कि अनस रजा तला बताते हैं जो अनस रजा तला ने देखा और इवन इवन सलमान फारसी जो थे रजा तला उन्होंने भी यही मोहर नबोत को देखकर कर ये कन्फर्म किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह ताला के नबी है और ये बहुत बाद का वाकया यानी कि ये मदीने का वाकया है खैर अभी हम लोग यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्वेल्व इयर्स के वाकये को अभी हम देख रहे हैं तो अः यहाँ पर वो कहता है कि और हमारी किताबों में भी ये पाया जाता है कि नबी करीम सल... यानी कि नबियों के अलावा झाड़ और पत्थर किसी और के लिए ऐसा झुका नहीं करते ठीक है ना अच्छा अब ये पूरा वाक़ा सुन लीजिए फिर उसके बाद में इनशाला वाक्य की और मजीद वजहत करूंगी तो फिर ये जो है और उसने और वो ये भी बताता है कि अबू तालिब को, को के इनके इनके वालिद कौन है तो अबू तालिब कहते हैं कि मैं हूँ इनका वालिद तो वो वो बोलता कि नहीं नहीं हो सकते आप उनके वालिद नहीं हो सकते तो अबू ताली बोलते कि नहीं मैं चचा हूँ और उनके वालिद का इंतकाल हो गया तो फिर वो कहता कि हाँ ये बात अब तुम सही बोल रहे क्योंकि जो नबी आखिरी जो नबी है वो जो आने वाले हैं वो यतीम रहेंगे वो उनके अबू जिंदा नहीं रहेंगे वो यतीम रहेंगे तो फिर वो ये बात से भी जो है कंफर्म कर लेता है फिर दूसरा क्या करता है कि बहुत ज्यादा खुश हो जाता है इतना खुश होता है कि लोगों को क्या करता है दावत देकर इनवाइट करता है जो कभी मिलता भी नहीं था वो दावत देकर इनवाइट भी करता है और साथ में अबू तालिब को ये कहता है कि आप इसको मुल्क शामत लेकर जाइए वहां पर यहूद और रूमियों से इनको खतरा हो सकता है लिहाजा आप इनको वापस भेज दीजिए तो जब आप अलैहि वसल्लम के बारे में ये उसने बताया तो अबू तालिब भी डर गए और फिर अबू तालिब आप अलैहि वसल्लम को वापस भेज दिए अब यहां पर देखिए कि इस वाक्य के बारे में जो वाक अभी आ, आपके सामने मैं बताई और ये वाकिया में भी है और साथ में रही अल रही उसमें भी है और बहुत सारी आ, किताबों में आपको ये वाक मिलता है यहाँ तक कि कुछ आ, की किताबों में भी ये हदीस आपको आ, मिलेगी जैसा कि जाम तिरमिजी है जो आ, इस आ, दीवी है और हदीस के नंबर के साथ ये दीवी है तो बहरहाल तो इसके अंदर जो है ये वाक काफी आ, आ, किताबों में जैसा मिलता है और इसके बारे में कई जो मुहदसिन है उन्होंने कलाम किया ये बताना मेरा जरूरी है ताकि हमारे पास जो है ना हम यानी कि ब्रॉड माइंडेड रहे और ये भी एक पॉसिबिलिटी है वो जहन में रखे ताकि आगे कभी किसी से जो है इस तरीके से कोई एनकाउंटर हो आपका कि कोई ये बोले कि देखो ऐसा कैसा पॉसिबल है तो फिर आप जो है उसकी वजाहत करने के काबिल रहें तो इसके लिए मैं ये थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रही हूँ कि ये जो हदीस है ठीक है और ये जो वाकया है इसके बारे में मुहादिन ने कलाम किया है कलाम का मतलब क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिबेट किए हुए हैं और ये थोड़ा सा कॉन्ट्रेडिक्शन है ये वाले पार्ट के उसमें जो है ना थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है जैसा हम जानते हैं कि सारी बातें ंड्रेड परसेंट ऑथेंटिसिटी के साथ हम आपको नहीं मिल सकती है स्पेशली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का ठीक है अब देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का तो छोड़िए आप जैसा अगर हम इमेजिन करें अपने वाले यानी कि हमारे अब्बू है तो अगर हम अपने अबू के बारे में जो हमारे यानी कि हमारे अबू है जिसके बारे में हम सब जैसा सोचते हैं कि जानते हैं अगर हम उनके बचपन के बारे में भी पूछते हैं तो आपको इक्का दोका यहाँ 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 वाक्यात आपको मिलते हैं एग्जैक्टली exactly आपको अपने अबू के ए टू जेड वाकयात मालूम है नहीं मालूम है उनकी जिंदगी नहीं मालूम है क्योंकि तो कोई भी बैठ के नोट नहीं करता ना ये सारी चीजें कोई भी बैठ के एक आध यहाँ पर फोटोज मिल गए एक आधे यहाँ पर वाकयात सुन लिए कभी दादी से सुन लिए कभी अबू से सुन लिए तो अपने को नहीं मालूम रहता राइट तो अब वो जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वाकयात ये सारी चीजें हम आपको हंड्रेड परसेंट श्योरिटी के साथ हम आपको नहीं मिल सकती दूसरा यहाँ पर इसके बारे में ये आता है ये जो वाक्य है उसके बारे में जो कॉन्ट्रडिक्शन है या फिर जो भी कलाम हुआ हुआ है वो ये है कि कैसा पॉसिबल है कि आ, पत्थर आ, शजर और जो है हज, आ, जो पत्थर है और जो झाड़ है वो सजदा कर रहे या फिर झुके हुए है और किसी को नहीं नजर आए सिर्फ उसको नजर आया और दूसरा ये है आ, कि अगर ऑलरेडी सारी बातें मालूम थी तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबोत के बारे में क्यों परेशान हुए जब फर्स्ट नब फर्स्ट यानी कि वही आई या फिर आ, ज, आ, इवन आ, जो यानी कि मका के लोग थे वो लोग तो इंतजार करना चाहिए था ये सारी बातें जो है इस तरीके से आती हैं तो बहरहाल इसमें मेरे को जो समझ में आई वो बात ये है कि देखो अः के जैसा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारह साल की उम्र में है और कोई राहब फ्रॉम नो वेर अचानक से अपनी गिरजा घर से मोनेस्ट्री से वो निकल कर आता है और आकर जो है ऐसी ऐसी बड़ी 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 बातें कर देता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो नबी है और फिर ये तो सरदार है ये तो अल्लाह ताला के भेजे हुए नबी हैं ये सारी बातें अगर वो बोलने लगे तो आप सोचिए कि जो यानी कि जो क्रिश्चानिटी पर वो बिलीव करता है उसके ऊपर ना अबू तालिब बिलीव करते थे ना फिर के कोई लोग बिलीव करते थे और उसके बातों पर भी क्यों कोई यकीन करेगा तो वो एक बचपन का वाक्य बस एक हुआ था और उसको कोई तवज्जो भी नहीं दिए और उसको बिल्कुल लाइट लेकर जब का जब जो है हो सकता कि छोड़ दिए और इसीलिए उसका कोई इंतजार भी नहीं करे या एक्सपेक्ट भी नहीं करे कि आप सल्लासम वाकई में नबी बना भेजे जाएंगे क्योंकि अरब में आप सल्ला वसम से पहले कोई भी नबी यानी तो बोलेंगे आप तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि आप अलैहि वसल्लम की जो नस्ल थी जो चली आ रही थी उसमें कोई नबी आएगा भी बोल के राइट तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था तो लिहाजा उसकी बात को भी तवज्जो नहीं दी गई होगी और फिर ये माना भी नहीं गया होगा इसीलिए ये वाकई को अः uh, क्या है कि अपन ना ये बोल सकते कि हंड्रेड परसेंट सही है ना ये भी बोल सकते कि गलत है ठीक है हो सकता क्योंकि एक हदीस में हदीस डिस्प्ले कर दीजिए इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुद कि नबूत से पहले मैं मक्का का उस पत्थर को मैं अब भी पहचानता हूं जो नबूत से पहले मुझे सलाम किया करता था ये सही मुस्लिम की हदीस है ठीक है ना नबूत से पहले एक पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं कि मैं उसको पहचानता हूँ जो नबूत से पहले मुझको सलाम किया करता था अब वो अंदाज सलाम का क्या था वो किस तरीके से उससे आवाज आती थी वो हम नहीं जानते राइट बस ये आप सल्ला ने फरमाया और ऐसे मोजात अल्लाह ताला चाहे तो किसके भी साथ जो है एक तो नबियों के साथ तो करते ही करते हैं उसके अलावा भी ऐसी करामतें होती हैं तो इसमें नहीं मानने वाली कोई बात नहीं है तो बहरहाल जो भी है दोनों साइड हम इसको रखेंगे ओपन रखेंगे कि हो सकता है ये सही हो पूरा वाक्य और हो सकता है कि इसके अंदर कोई कमी हो तो हंड्रेड परसेंट तो जो लिखने वाले हैं वो भी क्लेम नहीं करे कि इसके अंदर जो है हंड्रेड ये सही है इसके बारे में नीचे जो फूट नोट दी गई है वो ये है कि इसकी सनद आ, साबित है और खवी है यानी कि मजबूत है अलबत्त कुछ वहम वाक्य हुआ है इसीलिए हमने इसको छोड़ दिया है ठीक है ना ये इसके जो है फूट नोट में आता है तो बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी अच्छा उसके बाद आप सल अल्लाह की अब देखिए वह वापस से थोड़ा सा जाइए आप सल्लल्लाहु आपल्ल की पैदाइश से पहले आपके अबू का इंतकाल हो गया राइट फिर उसके बाद आप चार साल कहाँ पर रहे हलीमा सादिया की गोद में फिर दो साल बीबी आमिना फिर दो साल अबू अब्दुल मुत्तलिब और फिर उसके बाद अब क्या है अब चाचा की किफालत में है और फिर बारह साल की उम्र में ये वाक़ मुल्क शाम का वाक़ पेश आता है ठीक है अब यहाँ पर अब क्या है आप सल्लल्लाहु सल्ला की उम्र क्या है बारह साल तेरह साल अब यहाँ से इमेजिन करिए अच्छा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा की किफ़ालत में हैं तो अब पूरी जिम्मेदारी भाई मेरे अः यानी कि चाचा की है मेरे को देखने की तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा छोड़ के अपने आप को अपने चाचा पर नहीं बैठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे खुददार इंसान थे बहुत ज्यादा खुददार इंसान थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहुत छोटी सी उम्र में बकरियां चराने का काम शुरू कर दिए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे फर्स्ट जॉब था वो क्या था आप शेपर्ड थे ठीक है आप शेपर्ड थे, और यहां तक क्या आता है कि आप सिर्फ अपने चाचा की किफालत में नहीं बल्कि तो इतनी छोटी उम्र में अब समझे तीन चार साल की उम्र छोटी उम्र में चार साल की उम्र में भी आप सल्लासात की बकरियां चराते थे यानी कि वो छोटी उम्र में अब कैसे चराते थे कंप्लीटली खुद ओन करके नहीं चराते थे बल्कि अपने रजाद जो भाई बहन थे उनके साथ जाकर आप भी जो है बकरियां चलाते थे उतनी छोटी उम्र में इमेजिन करिए अच्छा उसके बाद क्या है कि जब आप मक्का में आ गए और आप अलैहि वसल्लम अबू तालिब की किफालत में थे तब भी आप अलैहि वसल्लम बकरियां चलाते थे अब देखिए ये बहुत ही खूबसूरत बात है जिसके जो हम आपको इसके अंदर से एक लेसन मिलता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने बारे में यह फरमाया कि जब मक्का आया तो वहां भी चंद, खिराद के, चंद के चंद यानी चंद रुपयों के अहले मक्का की बकरियां मैं चराया करता था और खरात क्या है दीनार का बहुत ही कम हिस्सा होता है बीसवा या चौबीसवा हिस्सा यानी कि चंद रुपयों के खातिर जैसा आप बोल सकते तो इस जमाने में बमुश्किल बताया जाता है कि एटी नाइनटी रुपीज के जो है आप बकरियां चराते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हदीस है कि कोई भी नबी नहीं गुजरा मगर उसने बकरियां जरूर चराई है यानी कि अल्लाह ताला ने हर नबी से यह काम लिया है हर नबी से ये काम लिया है मैं एक मरतबा जो है आ, शायद की तफसीर में पता नहीं मुझे याद नहीं है तो वहां पर मैं आप अः ये बताई थी कि मूसा भी बकरियां चराते थे राइट और जैसा अल्लाह ताला ने पूछा ना मूसा से कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है तो वो भरमाते हैं कि ये हाथ में लकड़ी है मैं इससे बकरियां चढ़ाता हूँ और पत्ते झाड़ता हूँ ये सारी चीजें राइट तो अः मूसा इस्लाम भी बकरियाँ चराए आपल्म भी दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में भी आता है कि वो भी बकरियां चराते थे और तमाम अंबिया इकराम के बारे में आता है क्यों क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी हिमत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि अम्बिया इकराम की अल्लाह ताला इस तरीके से तरबियत करते हैं बकरियां चरवा कर अंबिया इक्राम की क्या करते हैं तरबियत करते हैं सबसे पहली चीज जो फायदा बकरियां चराने का वो ये होता है कि जब शेपर्ट अपनी बकरियों को लेकर जाता है तो वो कहाँ पर जाता है क्या पॉपुलेटेड एरिया में जाता है वो तो बिल्कुल भी कहीं भी रिमोट एरिया में जहां पर घास वे हो नेचर के करीब हो जाता है तो यहाँ पर जब बकरियां चरती हैं तो वो वक्त एक्चुअली इंसान के लिए गौर और फिक्र का होता है राइट गौर और फिक्र का होता है वहां पर वो गौर कर सकता है नेचर को यानी कि ऑब्जर्व कर सकता है और गौर और फिक्र करके अ, अंदर जो है अपने यानी कि अल्लाह ताला कौन है और अपनी जिंदगी के बारे में फिक्र और अपने आमाल के बारे में ये सारी चीजें होती है तो ये वक्त अल्लाह ताला उनको अदा करते हैं दूसरा ये है कि जो बकरियां होती हैं ये बड़ी सबर आजमा होती हैं बड़ी जो है यहाँ यहाँ से पुदक पुदक वहां भाग जाती वहां से पुदक पुदक यहाँ भाग जाती एक को पकड़े तक दूसरी भागती दूसरे को पकड़े तक तीसरी भागती तो इससे क्या होता है इससे इंसान का क्या है कि राइट एग्जैक्टली बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं ऑलरेडी लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव होती है आपको लोगों को डील करना आता है सबर आता है डिसिप्लिन करना आपको आता है, आता है है ख्याल रखना राइट यानी कि एक चरवाहा क्या होता है गडरिया क्या होता है अपने यानी कि शी जो उसके अंडर जो भी शीप्स है बकरियां हैं उसका वो जिम्मेदार होता है तो एहसास जिम्मेदारी आती है राइट तो अल्लाह ताला और फिर क्या है कि जो इसके बारे में आता है कि जो यानी कि गोड्स जो होती हैं शीप जो होती हैं वो बहुत ज्यादा इंसान की फितरत की तरह होती हैं यानी कि कुछ शीप आप नोट करें होंगे कि थोड़ी सी क्या बोलेंगे हर धर्म होती है और कुछ जो है बहुत ही नरम होती है जो बोले वो सुन लेते कुछ जो है अकड़ अकड़ने वाले होते हैं आप अः बकरीद में आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब बकरीद में हम बकरियां लाते हैं ना एक साथ ज्यादा अगर आप बकरे लाने का इतफाक हो चार पांच तो आप देखिए कि एक अकड़ा रहता हमेशा सिंह जो है ऊंची रहती उसकी हमेशा मुंडी जो है अकड़ी रहती उसकी और एक जो है खाम जाके कोने में बढ़ जाता एक जो जो है है खौमित रहता 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 सिर्फ खाते रहता, खाते रहता, खाते रहता। एक दूसरों को छेड़ लेते रहता हमेशा राइट तो अलग अलग किस्म के आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि अलग अलग किस्म के बकरियां और जो भी मेंढे जो भी होते हैं वो अलग अलग किस्म के रहते और एक को तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते आप बात बात करें कि वो या तो आपकी रस्सी छुड़ा के भागेगा या तो आपको जो है सताएगा या जो भी तरीके से तो ये क्या है डिफरेंट नेचर के होते हैं right? राइट और फिर एक चरवाहा ही समझ सकता है कि उनका नेचर कैसा है तो चरवाहा क्या करता है उनके नेचर के हिसाब से जाता है जिसको पोलाइटली करना है तो उसको जो है पोलाइटली वो डील करता है जिसको जैसा करने का है राइट right? अलग अलग तरीके से वो डील करता है तो इसमें क्या है कि वो आ, मिजाज पैदा होता है तो अल्लाह ताला यहाँ पर अः अंबिया इक्राम की ये मिजाज पैदा करते हैं क्योंकि इंसान भी आगे जिसे अंबिया इकराम डील करने वाले हैं वो अलग अलग किस्म के रहेंगे एक जो है टेढ़ी मिजाज का रहेगा एक नरम रहेगा एक जल्दी सुन लेगा एक जल्दी नहीं सुनेगा बहुत ज्यादा समझाना पड़ेगा राइट और फिर आ, ए, आ, कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो अपनी फिक्र नहीं करने करने वाले रहेंगे और पुदक पुदक के जो है जहा आप की तरफ लेकर आग की तरफ अपने आप को झोंकने वाले रहेंगे और अः अंबिया इक्राम क्या करते हैं कमर पकड़ पकड़ कर आग से बचाते हैं राइट तो ये बेहतरीन अल्लाह तला इसके जरिए से क्या करते हैं ट्रेनिंग अल्लाह तला अता करते हैं राइट एग्जैक्टली तो यहाँ पर अल्लाह तला बता रहे कि और फिर क्या है कि बकरियों बकरियां बगैर शेपर्ड के कोई भी जो है यानी कि उनका जो फ्लॉक होता है वो बगैर शपर्ट के नहीं चल सकता उसको एक शपर्ट की जरूरत होती है तो इसी तरीके से इंसान भी बगैर एक नबी के जिंदगी नहीं गुजार सकता उसको गाइड करने के लिए एक होना पड़ता जरा सा छोड़ दिए तो वो अः क्या है अपने सीधे रास्ते से हट जा सकती तो बहरहाल अल्लाह ताला तहा पर हर किस्म से क्या करते हैं ट्रेनिंग करते हैं और एक मोहब्बत भी पैदा होती है जानवर के टुवर्ड्स राइट जब आप जानवर को पालते हैं तो क्या जानवर के टुवर्ड्स मोहब्बत नहीं पैदा होती है अगर कोई यहाँ पर पेट्स रखता है किसी के पास जो है अगर अः क्या होती है अपनी कैट्स होते हैं ना तो अपन कैट्स जैसा पालते हैं तो आप देखिए कि जो कैट्स पालते हैं या बर्ड्स पालते हैं तो उनका मिजाज डिफरेंट होता है राइट बहुत ज्यादा वो जानवर के टूव जो है नरम दिल उनका होता है तो ये नरमी भी अल्लाह तला पैदा करने के लिए अम्बिया इकराम को इस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं और उसके अलावा इमेजिन करिए कि आप सल्लाह वो अल्लाह तला किस बैकग्राउंड से लेकर आ रहे हैं ठीक है कौन सा बैकग्राउंड से अल्लाह तला लेकर आ रहे हैं। और अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु सलम को शुरू से गरीब रखे कोई लाविश बड़े घर में अल्लाह ताला ने नहीं पैदा किया क्यों क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्हम इमेजिन करिए रोल मॉडल है ता खयामत तक के आने वाले तमाम लोगों के लिए राइट अब देखिए कि अगर आप सल अल्लाह कोई बड़े खानदान में पैदा होते बड़े घर में पैदा होते खूब माल और दौलत आप सलील वसम के पास रहता नौकर चाकर रहते और उसके बाद आपको नबुअत मिलती और वो माल और दौलत के साथ आप

अपनी फैमिली देखना है सब करना है हम कहां से कर सकते हैं ये सारी काम तो अल्लाह तला ने आप सल्ला को सबसे गरीब बनाया राइट सबसे गरीब बनाकर अल्लाह तला बता रहे कि देखो नबी करीम सलम सबसे गरीब होने के बावजूद कैसे सबर और कैसे किनात पसंद और कैसा हर हाल में अल्लाह का शुक्र करने वाले और कैसा उसके बावजूद इबादत करने वाले यानी कि सबके लिए रोल मॉडल है अगर कोई अमीर होता तो गरीब के लिए रोल मॉडल नहीं हो सकता हाँ अलबत्त गरीब है तो अमीर और गरीब सबके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल थे राइट तो ये अल्लाह ताला ने यहां पर इस वजह से भी आप सलिल्लासम को ऐसे बैकग्राउंड से अल्लाह तिर आप काम छोटा नहीं होता है जो इंसान अपनी मेहनत से कमाता है, अपने खून पसीने से कमाता है और कोई बुरी बात नहीं है मेहनत करना ये भी अल्लाह तल्ला अपने अमल से बता दिए कि कोई बुरी बात नहीं क्योंकि देखिये जब आप सल्लाम नबी बन गए तो नबी करीम सल जब नबोत मिल गई और फिर अब तो इतने बड़े ऊंचे

तो कोई बुरी बात नहीं है तो अल्लाह ताला ये तमाम लोगों के लिए अब देखिए इसके अंदर हर एक यतीम बच्चे के लिए सबक है हर एक उस बच्चे के लिए सबक है जो अपने वालिदैन के अंडर जो है परवरिश नहीं पा रहे किसी और की गार्डियनशिप के अंदर है और फिर कोई और उनका जिम्मेदार और किफालत करने वाला है और जिसको खुद अपने हाथ से कमाना पड़ता जिसको खुद अपनी मेहनत करना पड़ता अपने बहुत छोटी सी उम्र के उम्र के बावजूद भी उसको बड़े बड़े काम खुद अपने कर लेना पड़ता ये हर एक उस शख्स के लिए जो डिप्राइव्ड है उसके लिए अल्लाह ताला यहाँ पर ये हिस्से में सबक और फिर क्या है ढारस भी अल्लाह ताला ने रखा है और फिर ये भी बता रहे कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खुददार थे अपने चचा के ऊपर भरोसा करके नहीं बैठे बल्कि अपने हाथ से कमाए अपने चचा की मदद करे और अपने चचा का सपोर्ट बने तो इवन हमको भी अपनी औलाद को और अपने आप के लिए और अपनी औलाद के, के लिए ये सबक लेना है कि और अपनी औलाद को ऐसी ट्रेनिंग देना है और अपनी औलाद को ये पहलू से ये सबक देना है कि बच्चे इस तरीके से इंडिपेंडेंट होना चाहिए राइट बच्चे ऐसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऐसी जो है फिक्र करने वाले होना चाहिए ऐसे मेच्योरिटी उनके अंदर आनी चाहिए और खुददार होना चाहिए किसी को बैठ के खाए जैसे नहीं रहना बल्कि कमा के दिए जैसे रहना आजकल क्या है कि बच्चे छोटे तो छोड़िए दूर की बात बीस पच्चीस तीस साल के भी हो जाते हाँ हमारे बाबा बहुत कमाए हमारे बाबा बहुत जायदाद रखे हुए हैं क्या जरूरत है हमारे कमाने की क्या जरूरत है मेहनत करने की आराम से मैं बैठ के मेरी नस्ल भी खा सकती उत्ता कमा के रखे बाबा तो लिहाजा सिर्फ बैठ के क्या है बाबा के ऊपर बोझ बने हुए तो ये नहीं बल्कि बचपन से यह तरबियत हमारे देने का है और ये बहुत ही बेहतरीन पहलू है आप सल्ला की जिंदगी से अच्छा फिर अब यहाँ पर आप सल्ला बिल्कुल अपनी अर्ली टीन एज में है उसके बाद आता है की और एक एक वाक्य आप सल्लाम की बचपन में जिंदगी से हमको मिलता है और वो ये है कि जंग फिजार का वाक्य ठीक है ना अच्छा जंग फिजार का वाक़ क्या था आप सल्ला की उम्र यहाँ पर क्या बताई जाती है बीस बरस बताई जाती है और उससे कम भी हो सकती है आप सल असम की उम्र क्योंकि ये जंग में आप सल्ला फरमाते हैं कि मैं जंग में पार्टिसिपेट नहीं करा बल्कि सिर्फ मैं अपने चचाओं को तीर उठाकर देता था तो यानी कि अगर आप तकरीबन ट्वेंटी में हैं तो फिर आप इतनी कम उम्र तो नहीं है कि आप जंग में पार्टिसिपेट ना करें तो इससे ये थोड़ा सा एक रफ आइडिया मिलता है कि हाँ हो सकता है आप सल की उम्र

कबीला था उसी की ये यानी कि ऊपर की एक शाख थी तो किनाना का एक आदमी ने अः के एक आदमी को कत्ल कर दिया ठीक है गलती किसकी थी किनाना वाले की गलती थी और उसने अटैक किया हवाजिन के एक आदमी को हवाजिन एक कबीले का नाम है ठीक है जिस तरीके से किनाना कबीले का नाम है उसी तरीके से हवाजिन भी एक कबीले का नाम है अच्छा उसने हवाजिन के आदमी को कत्ल कर दिया अब हवाजिन वालों को इतना गुस्सा आया इतना गुस्सा आया कि उन्होंने आ, किना, आ, जो किनाना की जो ट्राइब थी उसके ऊपर हमला कर दिया अब किनाना वाले क्या करें अपने आप को बचाने के लिए अः हरम के जगह पर वो यानी कि हरम का जो आ, क्या बोलेंगे हु, हुरमत वाली जो जगह है यानी कि काबे के अतराफ की जो जगह है वहां पर वो दाखिल हो गए जो जगह हुरमत वाली कंसिडर होती थी और वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं किया जा सकता था राइट और ये आप इब्राहिम अल के जमाने से चला आ रहा था आज हमारे पास इस्लाम में भी है और दौरे जहालत में भी इसको फॉलो किया जाता था और बहुत ज्यादा यानी कि पाबंदी के साथ ठीक है खासियत के साथ एहतमाम के साथ इसको फॉलो करते थे ठीक है ना अच्छा अभी तक यहाँ पर हम लोगों की आज फिफ्थ क्लास है और आप लोगों को अभी तक जो बुक हम रेफर कर रहे वो नहीं मालूम अच्छा खैर अगर नहीं मालूम है तो नो प्रॉब्लम हम जो बुक रेफर कर रहे हैं वो तजलियात नबूत है ठीक है ना इनशाला आपको आ, बाद में आ, ग्रुप में इनशाला पोस्ट कर देंगे नंबर के साथ जहां से आप ये बुक ले सकते हो और तमाम स्टूडेंट्स जितने भी अभी यहाँ पर यानी कि अटेंड कर रहे हैं आप लोगों के पास कंपलसरी बुक रहना जरूरी है ठीक है ना तो आप लोग आ, जरूर ऑर्डर करके ऑनलाइन ऑर्डर करिए या फिर कहीं अपने आउटलेट से खरीद लीजिए बुक रहना जरूरी है सामने जब मैं पढ़ रही हूँ तो सामने बुक रहना जरूरी है और आप उसको टिक करते जाएंगे राइट? अपने बुक में टिक करते जाएंगे एक्स्ट्रा कुछ नोट है तो साइड में लिख लें आप अपने नोटबुक में उसको कॉपी कर लें ठीक है ना इनशाला अच्छा तो आ, बैक टू आ, जंगे फिजार क्या चल रहा था भाई कहां तक पहुंचे हम अच्छा तो किनाना और हवाजिन की लड़ाई चल रही थी और फिर वो लोग काबे में जब आ, अंदर गए तो हवाजिन इतने गुस्से में थे कि काबे की हुरमत का भी ख्याल नहीं रखे और वहां पर भी घुस के वो जो है अटैक करना शुरू कर दिए अब जब ये हुआ तो तमाम जो खुराश के कबायल थे वो सारों को इतना ज्यादा गुस्सा आया और बोले कि हुरमत का भी ख्याल नहीं रखे तो फिर अब डेफिनेटली अब हम यहाँ पर क्या करेंगे फाइट बैक करेंगे तो जंगे फिजार की टोटल चार जंगे लड़ी गई कितनी जंग लड़ी गई टोटल चार जंगे लड़ी गई और उसके अंदर ये जो जंग यहाँ पर अभी जिक्र हो रहा है आप वसल्लम की एज ट्वेंटी इयर्स जो बताई जा रही है उस ये वाले जो जंग थी ये फाइनल वाली जंग थी और इससे पहले की जितने भी जंग थे वो थोड़ी थोड़ी झड़प हुई ज्यादा खून खराबा नहीं हुआ पर ये वाली जंग जो है खतरनाक हुई थी। ठीक है और फिर क्या है कि ओकास के बाजार में फुल जंग शुरू हुई तो दोनों साइड के बहुत सारे लोग मारे गए और एक पॉइंट पर जब बहुत ज्यादा लोग मारे गए तो एक पॉइंट पर थोड़ा सा खल शायद आई और आने के बाद ख्याल ये आया कि नहीं नहीं अब बहुत ज्यादा हो गया अब आपको स्टॉप करना है अब हम ये करेंगे कि आपस में जो है सुलह कर लेंगे ठीक है ना आपस में पीस ट्रीटी जो है कर लेंगे और फिर लड़ाई रोक देंगे वरना फिर क्या फायदा कि अगर आपके भी मारे गए हमारे भी मारे गए और फिर हुरमत भी पामाल होते चले जा रही तो लिहाजा दोनों ये डिसाइड करें कि बस अब ये जंग को रोका जाए तो टोटल जंग चार जंग हुए और इसीलिए इसको फिजार कहा जाता है फिजार फूर से है फजूर का मतलब क्या है गुनाह बहुत ही गंदे गुनाह को कहते हैं राइट इविल वॉर्स अगर हम इसको बोलें तो ठीक है तो आ, कोई इविल कसम का जो काम होता है ना उसको फजूर कहते हैं और उसी से वर्ड फाजिर भी है तो यहाँ पर क्या फजूर काम हुआ फजूर काम इसीलिए हुआ कि जो लिमिट थी यानी कि काबे की जो हरमत थी उसको भी पामाल किया गया और जो महीने की हुरमत थी जिलकादा में ये जंग हुई ना इसीलिए जिलकादा मेंशन है क्योंकि एक तो महीने की हरमत भी पामाल हुई और फिर साथ में यहाँ पर काबे की हरमत भी पामाल हुई तो इसीलिए ये जो लिमिट क्रॉस हुई उसकी वजह से ये जंग को जंग फिजार कहते हैं ठीक है ना तो बहरहाल फाइनली ये डिसाइड हुआ कि आपके और हमारे मखतूलिन जो डेड बॉडीज है उसको काउंट किया जाए जिसके डेड बॉडी ज्यादा है तो यानी कि जो ज्यादा मारे खून बहा देंगे और यहाँ पर इसको खत्म कर देंगे तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें जो शिरकत करे सिर्फ आपकी शिरकत इतनी ही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाओं को तीर लाकर देते जाते थे जो तीर गिरते थे ना तीर गिरने का क्या मतलब है जब शूट करते हैं तो तीर यानी कि एनिमी के टुवर्ड्स नहीं जाकर कहीं भी बीच में अगर गिर गया और बेकार हो गया तो आप वसल्लम जाते थे दूर दूर तक वादियों में पहाड़ों पर जाकर वो तीर को उठाते थे और लेकर आकर वापस अपने चचा को देते थे तीर गिर के तीर उठाकर देने का मतलब ये नहीं था कि बाजू तीर है और उठा उठाकर दे रहे बल्कि वो ये बड़ा काम जो है वो करते थे और आप सल्लल्लाहु ये फरमाते हैं कि मैं ये जो जंग में पार्टिसिपेट करा मेरे को इसका बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है क्योंकि ये आप अल्लाह ताला यानी कि हरम की जो हरमत पामाल हो रही थी इसीलिए मैं उसका हिस्सा था और मैं मुझे उसके बारे में कोई रिग्रेट नहीं है और फिर इस और एक एक भी इसके बारे में ये अलबत्त रिवायत में आता है कि जब भी आप सल्लल्लाहु सल्ला जिस दिन जंग में होते थे उस दिन आ, आप यानी कि खुराश जंग जीतते थे और जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होते थे तो खुराश जंग हार जाते थे और ये चीज तो हम कब से देख रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल भी पैदाइश के बाद से देख रहे हैं राइट हलीमा सादिया के घर में जो चेंजेस आए तो ये आप की प्रेजेंस हमेशा बाबरकत होती थी हर हर किसी के लिए अबू तालिब के लिए हो या फिर खुराश के लिए हो या बीबी -बी हलीमा के लिए हो हर जगह पर बरकत वाली होती थी और आगे हम ये बरकतें देखेंगे बीबी खदीजा के बिजनेस में भी ये बरकतें इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे ठीक है ना अच्छा फिर उसके बाद और एक एक वाक्य आया जो फिर से फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा हो जाएगा आ, आ, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि जिंदगी में जो वाक है वो हेल्पफुल फजूल का वाक्य है अच्छा ये जो वाक है वो इमीडिएटली अच्छा अब जैसा है ना कि चार वाक्यात जंग फिजार के हुए तो हो सकता है अगर ये ट्वेंटी इयर्स आप सल्लल्लाहु सल्लाम थे तो शुरू कब हुआ आप सल्म सिक्सटीन ईयर्स के थे जब ये शुरू हुआ होंगे तक ये चार वाक़त अलग अलग साल जो है पेश आए अच्छा उसके बाद जब जो जंग फिजार में जो नुकसान हुआ राइट यानी कि बहुत ज्यादा लोग दोनों तरफ से मारे गए तो जो लोग जमीर रखने वाले थे ना जिसके अंदर जमीर था और जो लोगों की तकलीफ को समझते थे तो वो ये देखे कि इतने सारे लोग मर गए इतने सारे औरतें बेवा हो गई इतने सारे बच्चे जो है यतीम हो गए और इतने घर बर्बाद हो गए इतनी इकोनोमी पर इफेक्ट हुआ और फिर वापस से उल्टा खून बहा एक दूसरे को देने की जरूरत आई इंसान तो चले गया साथ में खून बहा की अलग आ, मुसीबत सर पे आके पड़ी और दूसरा जब जंग में मुलव है यानी कि चार साल से मुसलसिल जंग चल रही तो फिर इंसान क्या है अपने बिजनेस पे ये सारी चीजों पर भी फोकस नहीं कर सकता तो लिहाजा वहां के कुछ एलिट्स जो है जमा हुए सरदार जमा हुए और वो लोग सोचे कि हम लोग ना एक मुहिदा करेंगे और इसी मुहिदे का नाम जो है ठीक है थीके? अब ये मुहिदा इसीलिए वो लोग करे और आ, बोले अब क्या करेंगे तरीके से शुरू हुई थी, थी? के एक आदमी का से ये बात थी. तो अगर ऐसा केस फिर से रीअपियर हो कोई किसी को मारे तो चाहे तो कोई वो कबीले को बिलोंग करने वाला हो हम मजलूम के साइड खड़े होंगे ठीक है ना हम मजलूम के साइड खड़े होंगे चाहे वो आ, किसी का हो किसी का माल आ, हड़प लिया जाए किसी के ऊपर जुल्म और ज्यादती की जाए तो बहरहाल हम उसके साइड रहेंगे तो ये जो यानी कि ट्रीटी वो लोग लो लो मिलकर साइन करे यानी कि ये जो आ, हलफ वो लोग उठाए एक ओत वो लोग करे तो वो ओत को हिलफुल फजूल कहते हैं ठीक है थीके? अब ये फजूल क्यों कहते हैं ये हमारा क्या उर्दू का फजूल है तो वो इनशाला मैं आपको आगे बताऊंगी कि फजूल क्यों है ठीक है ना अब इसको और एक एक नाम भी दिया गया हेल्पफुल ठीक है मुतवाइीन इसका और एक एक नाम है यानी कि क्या बोलेंगे मुतयब का मतलब क्या है पाक लोगों को कहते हैं ठीक है पाक लोगों को तो अः एक तरफ जो है ये भी नाम है और दूसरा हेल्पफुल फजुल भी है और दोनों नाम के रीजन क्या है मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को तो ये जो हेल्फ जो यानी कि ओत हुआ इसका रीजन क्या बना इसका रीजन पहले तो एक तो जंग फिजार बना ठीक है एक तो जंग फिजार दूसरा रीजन क्या बना ये जुबैद नाम का यानी कि जुबैद एक ट्राइब था यमन का वहां के एक आदमी के साथ जो आ, क्या बोलेंगे ज्यादती हुई उस उस बिना पर ये हेल्फ क्या हुआ साइन हुआ ठीक है अब वाक्य क्या हुआ था एक जुबैद जो कबीला है अब इसको अक्सर लोग क्या है नाम है समझते किसी एक पर्सन का नाम है ये नाम नहीं है बल्कि कबीले का नाम है तो अब खबीले अब वो शख्स का नाम नहीं मालूम तो हम उसको जुबैदी ही कर लेंगे ठीक है ना अच्छा जुब... चलिए बिस्मिल रहीम अच्छा तो कहाँ तक सुने आई भैया आप लोगों को आवाज ठीक है चलिए तो ये जो जुबैद कबीले का एक शख्स था जो यमन से अपना सामान्य तिजारत लेकर आया था मक्का को और ये सोचा था कि मैं आ, एक तो आ, हज कर लूंगा और साथ में अपना तिजारत भी कर लूंगा और वो जमाने में ये तरीका था कि वो लोग अपना सामान्य तजारत लेकर आते थे यहाँ पर बेचते थे फिर पैसे लेते थे यहाँ से कुछ चीजें खरीदते थे फिर लेकर जाकर अपने शहर में बेचते थे तो यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टाइप का जो है काम करते थे अच्छा तो फिर वो जब सामान बेचा तो उसका सामान आज बिन वायल ने खरीदा ठीक है कौन खरीदे उसका सामान आज बिन वायल ने खरीदा और ये भी बहुत ऊंचा और इलीट पॉलिटिशन जो है माना जाता था और बहुत ही ऊंचा इसका मुकाम था आज बिन वायल का ऊंचा मुखाम था अच्छा उसने सामान तो खरीद लिया और यह कहा कि अच्छा मैं तुम्हारे पैसे जो है बाद में देता हूँ तुम हज के बाद मेरे पास से आके ले लो अब उसके बाद जब उन आ, उसका हज हो गया अभी तो फिर वो वापस गया और जाकर आ, उसके पास आजमिन वायल के पास से पैसे लेने लगा तो फिर उस उसने ये कहा कलाओ फिर उसके बाद दूसरे दिन गया कलाओ तीसरे दिन गया कलाओ तो ऐसे वो ठगाने लगा अब वो समझ गया कि हाँ भाई इसका कोई इरादा नहीं है और ये मेरे ज्यादा और वजह ये ये है कि मेरे साथ कोई भी है नहीं ना यहाँ पर डिफेंड करने के लिए क्योंकि मेरा कबीला तो बहुत दूर दूर है तो मेरे को तो कोई नहीं डिफेंड कर सकता तो फिर वो हेल्प के वास्ते जो है अब, बनु अब्दुल्दीनार के पास गया बनु मखजूम के पास गया यानी कि जो आ uh, क्या बोलेंगे अपने अः uh, तो जो अबू जहल जिससे बिलोंग करता था फिर जो है बनु अधिक के पास जिससे उमर रजत थे और बनु जम जम और फिर बनु सहम अलग अलग जो है खबीलों के पास हो गया और जाकर रिक्वेस्ट करे कि हेल्प करो और कोई भी सब लोग जो है क्या करे हाथ उठा लिए और ये बोले कि नहीं देखो भाई तुम्हारा मामला है डील कर लो तो बहरहाल अब जब उन्हें बिल्कुल हेल्पलेस फील करा तो वो जब ले अबू बैस के ऊपर चढ़ा और चढ़कर वहां पर शायर अपनी जो है अशार उसने आ, मजलूमा आ, मजलूमियत के अशार वो कहने लगा और वो जमाने में उन लोगों की ये खासियत होती थी कि अपनी जो सिचुएशन होती थी उसको फौरी शायरी में डालते थे और फिर शायरी जैसे आ, कोई शायरी के अंदाज में जब कोई बोलता था तो वो फिर क्या हो जाता ब्रेकिंग न्यूज बन जाती थी तो बहरहाल वो ब्रेकिंग न्यूज बनी हर कोई उसका जो है चर्चे होने लगे और वो इतनी ब्यूटिफुल तरीके से उसने अपनी शायरी में अपनी मजलूमियत का इजहार करा कि देखो तुम तो कस्टोडियन ऑफ काबा हो और फिर क्या है कि इतने अपने आप को जो है अच्छे समझते हो पर क्या है कि आवाज कम आ रही हम्म अच्छा ठीक है और मैं हज के लिए आया हुआ हूँ अभी तक मैं अहराम भी नहीं रहा, अभी तक मैं बाल भी नहीं तराशवाया तुम एक अहराम वाले इंसान के साथ एक हाजी के साथ तुम ऐसा मामला करते तुम, तुम लोग इतने गिरे हुए हो तो उसने जब लड़का रहा तो फिर तमाम जो खुराश के अलग अलग कबायल थे तो कौन से कौन से कबायल थे हम देखेंगे पांच कबीलों ने मिलकर ये किया कि अब ये तमाम जो जुल्म और जादती है इनफ इज इनफ अब हम जो है इसको आगे कंटिन्यू नहीं होने देंगे चाहे किसी बिले से बिलोंग करने वाला अगर मज़लूम है तो हम उसके हक में उठेंगे और उसकी हम मदद करेंगे और उसको उसका हक दिलाकर रहेंगे तो इसमें जो शामिल हुए वो एक तो जो है बनु हाशिम थे दूसरा बनु अब्दुल मुतलब थे बनु अल मुतलब थे बनु असद थे बनु जहरा थे और तैम थे ठीक है ये पांच जो कबायल थे और तमाम गालिबन के केबायल होंगे तो ये तमाम क़बायल उठे और ये लोग जो है यानी कि ये हलफ़ उठाए ठीक है ये इरादा करे अच्छा हलफ़ उठाने का उनके जमाने में तरीक़ा क्या था कि वो लोगों को लिखना पढ़ना तो नहीं आता था तो वो लोग ये करते थे तरीका ये था कि वो भी ठीक है चलिए आउज रजीम पढ़ लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है बार बार मैं आ, थोड़ा सा एग्जिट हो जा रहा है आ, तो खैर आउज बिल्ला पढ़ लीजिए सब लोग आउज बिल्ला पढ़ लीजिए और साथ में दरूद भी पढ़ लेंगे आउज बिल्ला शेतरम कमाता इब्राहिम आली इब्राहिम बारिका मोहम्मद कमा बारब्राहिम इब्राहिम इन्नाक हमीदुल मजीद, मजीद। ठीक है ना अच्छा तो आ, तो ये जो पांच कबाइल थे ये तमाम कबाइल ने क्या किया कि ईतर मंगाया और ईतर में सारे लोगों ने हाथ डिप किया क्योंकि ये बहुत ही आ, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉज के लिए ये आ, काम हो रहा था तो फिर उन लोगों ने इधर में हाथ डुबाया और वो हाथ को उन्होंने काबे के ऊपर मला और ये बोले कि आज से हम ये क्या है ओत ले रहे ठीक है ना अच्छा अब ये जो ओत था अब ये सारी ओत की डिटेल्स हम लोग देखे और उसकी वजह क्या है डिटेल्स देखने की वजह क्या है भाई ये ओत के बारे में अच्छा तो ये ओत ये था जिसके अंदर आप अलैहि वसल्लम भी खुद तशरीफ फरमाते इसके अंदर आप सल्लल्लाहु सल्ला भी इसका हिस्सा थे ठीक है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु सल्ला फरमाते हैं कि मैं अब्दुल्ला गया वो किसके घर में ये सारी बातें डिसाइड हुई ये अब्दुल्ला बिन जुदान के घर में डिसाइड हुई ठीक है ये अब्दुल्ला बिन जुदान बहुत ही अच्छा नेक शरीफ इंसान था और अलबत्तः आप सल्लल्लाहु की नबौत के ऐलान से पहले ही उसका इंतकाल हो गया तो बहुत ही अच्छा इंसान ये माना जाता था तो उसके घर में ये हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन जुदान के मकान पर एक ऐसे माहिदे में शरीक हुआ कि मुझे इसके इवज़ सुख ऊंट भी पसंद नहीं है यानी कि ये कितना अच्छा आपको पसंद पसंद था ये वाली जो ट्रिटी थी ये जो ओत था कितना ज्यादा महबूब था सुरख ऊंटों से भी ज्यादा सुर्ख ऊंटों से भी ज्यादा और अगर मैं इसके लिए दौरे इस्लाम में बुलाया जाता तो मैं इसे कबूल कर लेता यानी कि इवन आज के दौर में अगर में को ऐसी कोई मौका मिले तो मैं इसको कबूल कर लेता तो अब इससे देखिए बहुत ही प्यारी बात हमको समझ में आती है कि ये जो लोगों के सोशल वेलफेयर के जो काम होते हैं लोगों की खैर ख्वाही के जो काम होते हैं ये दीन का हिस्सा है और आप वसल्लम का पसंदीदा काम है राइट आप सला हम क्या समझते हैं कि बस सिर्फ जो है दीन की बातें करना ये ये सिर्फ जरूरी है और तमाम जो सोशल वेलफेयर के जो काम होते हैं उसके अंदर मुसलमान सबसे पीछे होते हैं सबसे जीरो होते हैं अब आ, अगर हम देखेंगे तो सबसे आगे कौन होते हैं अक्सर क्रिश्चन हमको नजर आते हैं बहुत सोशल वेलफेयर के बहुत अच्छे काम वो करते हैं पर हमारे जो मुसलमान हैं ये बहुत पीछे रहते हैं हम सिर्फ क्या है हदीस और कुरान और बड़ी बातें करने में रह जाते हैं और लोगों की खैर का कोई काम नहीं करते अब देखिए कि मजलूम के लिए आवाज उठाना भी ये बहुत ही बड़ी बात है ये बहुत ही पसंदीदा काम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि यानी कि रेड कैमल्स क्या रेड कैमल्स का क्या मतलब है कि वो जमाने में रेड कैमल्स बहुत ही ऊंची ब्रीड मानी जाती थी जो सबसे ज्यादा कॉस्टली और सबसे ज्यादा जो है यानी कि ब्रांडेड और फेवरेट माना जाता था तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि सब उतने जो अच्छी क्वालिटी ब्रांडेड जो ऊंट है उससे ज्यादा मेरे को ये पसंद है कि मैं ऐसे कामों में अपने आप को एनरोल करूं तो हमारा भी काम ये है कि हम साथ में लोगों की खैर का काम करें ये नहीं कि भाई नन ऑफ माय बिजनेस उनके ऊपर जुल्म होता होने दो ठीक है पड़ोसी में क्या हो रहा मारपीट हो रही होने दो शोहर बीवी पे जुल्म कर रहा करने दो सास बहू पे कर रही करने दो बस वक़्त बहु सास पे कर रही तो करने दो इट्स नन ऑफ माई बिजनेस राइट अगर हम ऐसा सोचेंगे तो फिर ये दीन का हिस्सा नहीं है बल्कि दिन का हिस्सा क्या है कि हम आपको लोगों की खैर ख्वाही अगर कोई छोटे बच्चों पर जुल्म हो रहा तो फिक्र करना है बड़ों पर हो रहा तो फिक्र करना है बूढ़ों पर हो रहा तो फिक्र करना है गरीब पर हो रहा तो फिक्र करना है बेवा यतीम है तो फिक्र करना है सारों की फिक्र करना यह दिन का हमारा हिस्सा है जो आप सलील वसम की सीरत से हमको मिलता है ठीक है ना तो ये ये जो वाक्य है ये हेल्पफुल फजूल का ये भी वाक़ तकरीबन आपकी ट्वेंटी ईयर्स अराउंड थी क्योंकि इमिडिएटली जंग फिजार के बाद ही पेश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही एज थी और ये वाक उस वक्त आ गया पेश ठीक है अच्छा उसके अलावा अगर हम देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हम जानते हैं कि छोटे छोटे जब थे बहुत ही छोटी एज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे पर जैसे जैसे एज आपकी बड़ी हुई तो भी आप बकरियां चराते थे और बाद में एज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजनेस भी करें यानी कि दोनों काम साइमल्टेनियसली आप करते थे बकरियां चराने का या ऊंट चराने का भी बिजनेस आप करते थे और साथ में साथ में क्या है अः ये यानी कि अलग से बिजनेस भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डील करते थे अच्छा एक जो वाक्य आता है बीबी खदीजा रज की बड़ी बहन का वाक्य आता है गालिबन उनका नाम हला था तो उनके बारे में आता था आता है कि उन्होंने एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और और एक एक शख्स को हायर किया अपने कैमल को चरवाने के लिए ठीक है और ये बोले कि आप अगर ये करेंगे तो हम उस, उसके बदल इतनी उजरत देंगे तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स के साथ जाते हैं और कैमल कैमल ग्रेस करते हैं चराते हैं और जब वापस आते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स को कहते हैं कि तुम जाकर अः उजरत लेकर आओ मेरी भी क्योंकि मुझे हया आती है कि मैं किसी औरत के पास जाकर उजरत लू यानी कि लेडी है तो आप सलीलम हया की वजह से पीछे रहे तो जब बीबी खदीजा अन्हा की जो बड़ी बहन है उन्हें जब उजरत देते हैं तो पूछते हैं कि फिर वो शख्स कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो कहते हैं कि नहीं उनको जो है हया की वजह से वो पीछे रह गए उजरत का मतलब क्या है अम्म क्या बोलेंगे भाई उजरत का मतलब बोल दीजिए यहाँ पर किसी को अः क्या है आपके पेमेंट आपकी सैलरी आपकी वेज ठीक है ओके वेज को बोलेंगे ठीक है सैलरी को बोलेंगे या जो भी है अच्छा तो फिर आ, क्या आ, क्या बता रही थी मैं हाँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बीबी खदीजा रजाना की जो बड़ी बहन है वो कहती हैं कि मैंने अपनी हाँ मजदूरी भी अच्छा अच्छा वर्ड है तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतना शरीफ नफ्स इंसान मैंने नहीं देखा जो इतना हया करता है कि तो अब एक औरत कब गवाही देती है आप सोच के देखिए कि एक औरत किसी शख्स के बारे में कब गवाही देती है जब वो देखती है कि उसकी नजरें उसकी तरफ नहीं उठ रही और उसकी नजरों में हया है शर्म है और फिर वो किस तरीके से बात करता है एक औरत के अंदर अल्लाह तला ने वो सिफत रखी है ना कि आदमी की हया वो पहचान सकती है और वो किस नीयत से बात कर रहा कैसे अंदाज में वो डील कर रहा तो बीबी खदीजा रजतना की बड़ी बहन बहुत ज्यादा तारीफें करती है कि इतना यानी कि जो है ईमानदार और इतना खुददार और इतना जो है हर हया और शर्म वाला इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा तो जब ये तारीफ करती हैं तो तब फर्स्ट टाइम एनकाउंटर होता है खदीजा रजत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से और आप जो है बहुत ज्यादा तारीफ सुनती हैं और पहली बार तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी बीबी खदीजा रजताना हो जाती है अच्छा दूसरे दूसरा ये होता है कि जब आप इतनी ऑलरेडी इंप्रेस थी तो फिर बीबी खतीजा ईमानदार बंदा ढूंढना ढूंढती रहती हैं जो उनके बिजनेस को आगे लेकर चले और फिर वो अः क्योंकि वो बहुत ज्यादा मालदार खातून थी उनकी ऑलरेडी दो मरतबा उनकी शादी हो गई थी बीबी खदीजा रजाना की एक एक मरतबा जो पहली जो शादी थी उनकी अतीक बिन आय से मखजूमी से उनकी शादी हुई और सेकेंड शादी उनकी यानी कि उनके इंतकाल के बाद जो शादी हुई उनकी अबू हाला से हुई ठीक है अच्छा पहली शादी अतीख से हुई दूसरी शादी अबू हाला से हुई ठीक है ना अबू हाला से जो उनका उनकी बेटा था वो उनका नाम हाला था ठीक है क्योंकि अबू हाला उनके बेटे का नाम हाला था और हाला जो अः सहावी है उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की जिंदगी भी पाई और ईमान लेकर आए और आपके सहाबी भी बने ठीक है और एक वाक्य में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इवन काबा के पास जब मारा जा रहा था तो अब वो हाला ही आ, हाला जो सहाबी थे उन्होंने जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिर कर अपने आप को आ, एक ढाल बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करते हैं तो ये भी वाक्य उनका आगे आता है जो इंशाल्लाह हम देखेंगे तो बहरहाल ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि बीबी खदीजा अन्हा के हस्बैंड से ये बेटे थे ठीक है अब ये हुआ कि बीबी खदीजा रजा मालदार कैसे हुई क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने अपने पीछे बहुत ज्यादा जायदाद छोड़ी थी तो जिसकी वजह से बीबी खदीजा रजना बहुत ज्यादा मालदार थी अब तिजारत के लिए वो खुद तो जा नहीं सकती थी तो वो किसी एक ईमानदार शख्स की तलाश में थी और जैसे आप के बारे में उनको मालूम होता है तो आप सल अला वसम को वो अपना माल तजारत देकर कहाँ पर भेजती है मुल्के शाम भेजती हैं और आ, अब अगर हम बोहेरा मॉन्ग का जो वाक था अगर उसको कंसिडर करेंगे तो ये आप सल्ला की सेकेंड विजिट थी शाम की टूवर्ड्स ठीक है तो बहरहाल वो टाइम पर तो शाम को नहीं गए थे बहरहाल रस्ते में ही वापस हो गए थे यहाँ पर शाम की टूवर्ड सफर करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ वो अपने गुलाम मैसरा को भी साथ में भेजती हैं और जब वो वापस आते हैं तो मैसरा का जो तारीफ की जो पुल मैसरा ने बांधा बीबी खदीजा के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो तो जो है बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं नौकर होने के बावजूद वो कभी मुझे जो है नौकर की तरह नहीं ट्रीट करे मेरे साथ बैठते थे मेरे साथ खाते थे मेरे को जो है इज्जत और एहतराम के साथ मेरे साथ मामला करते थे और फिर जब वो आप सल्ला लौटे तो इतना ज्यादा नफा के साथ लौटे इतने खूब जो है नफा के साथ लौटे जो पॉसिबल था ही नहीं अगर कोई और जाता ठीक है तो आप जब बीबी खदीजा रजा तला देखे कि इतना ज्यादा नफा के अब तक इतने लोगों को भेजे कोई इतना नफा नहीं लेकर आए जितना आप सल अलासम नफा लेकर आए क्यों क्योंकि एक तो आप सल्लाम की जात में बरकत थी दूसरा आप सल्लल्लाहु सल्लाम इतना जबरदस्त अंदाज में डील करते थे लोगों के साथ और इतने यानी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ डील करते थे कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, से ट्रेड करने के लिए आगे होते थे अब देखिए ट्रेड का दिन ऐसा तो नहीं था कि आप सल्लल्लाहु सल्लाम आज की फ्लाइट लिए और वहां पर दुबई पहुंचे और वहां पर सामान एक दिन में बेचे और नेक्स्ट दिन जो है फ्लाइट लेकर इंडिया वापस आ गए तो ऐसी तो नहीं थी ना मुल्क शाम का सफर यानी कि कई महीनों पर वो मुश्तमिल था और फिर जाते वक्त का पूरा मामला वापसी का पूरा मामला वहां पर का स्टे, इतने दिनों तक का जो स्टे था लोग आप को आपकी अमानत के से पहचाने लगे डील करने लगे और आप जो है अपनी स्मार्टनेस की वजह से भी यानी कि अल्लाह तला ने जो आपको उसने नजर और विजन और फिर आपको जो इन इंट, इंटेलिजेंसी जो अल्लाह तला ने दी थी उसकी वजह से दो गुना को चार और चार गुना को छह बनाना आप सल्ला को बहुत ही बखूबी आता था तो आप सल्ला ने बेहतरीन अंदाज में तजारत की बहुत ही खुददारी के साथ फिर अमानत के साथ वो पूरा माल लेकर आए जैसा पॉसिबिलिटी थी कि कोई जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो तो थोड़ा सा छुपा ले थोड़ा सा दे दे और मैसरा को भी थोड़ा सा जो है अपने साथ मिला ले नौजुबिल्ला तो कोई और होता तो इस तरीके से करता पर आप सल अलासम क्या करें पूरी की पूरी अमानत दे दिए और मैं सरा जो तारीफ करने लगा तो अब यहाँ पर बीबी खदीजा रजत एक मोहब्बत वाला जो यानी कि जो इमोशन है जो फीलिंग है वो आपने महसूस की और फिर बीबी खदीजा रजत ने आप सल अलाम की ये अमानत का और बरकत का ये हाल देखा तो दम आ, क्या है दम बखुद रह गई फिर मैसरा ने आप वसल्लम की शीरीन शमायल का यानी कि आपके जो अपियरेंस है आपकी बुलंद अखलाक है वो तमाम चीजों का इजहार किया और साथ में ये भी बताया कि धूप में दो फरिश्ते हमेशा उनको जो है साया करते थे यानी कि गोया ऐसा महसूस होता कि गोया हमेशा उनके सर पर जो है कोई साया है और ये हाल जब बीवी खदीजा रजा सुना तो महसूस किया कि इनका गौहर मुराद उन्हें मिल गया यानी कि जिसकी उनको तलाश थी वो उनको मिल गया है क्योंकि बीबी खदीजा रज से शादी करने के लिए बहुत सारे इलीग जो शख्स थे उन लोगों ने अप्रोच किया और कहा कि हम शादी करना चाह रहे पर सबको वो उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट करते गए और यहाँ तक के लोग छोड़ दिए उन, उनकी तरफ रिश्ता भेजना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टुवर्ड्स अब यहाँ पर खुद उनको शादी वाली जो है यानी कि इमोशंस उनको आते हैं और मोहब्बत वाली फीलिंग जब आती है तो फिर वो अपनी तरफ से रिश्ता भिजवाती हैं और बताया जाता है कि नफीस जो उनकी यानी कि सहेली थी उनके जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रिश्ता भेजे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर वो नफीस बताती हैं कि बीबी खदीजा रजा तला आपसे निकाह करना चाह रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझसे उन्होंने खुद से कहा भला मुझसे कौन जो है निकाह करना चाहेगा मुझसे क्यों वो निकाह करना चाहेगी जबकि मैं ना मालदार हूँ और मैं यतीम हूँ और मैं तो बहुत गरीब हूँ तो फिर नफीसा बताती है कि नहीं नहीं उन्होंने खुद आपसे यानी कि आपकी तरफ ये पैगाम भेजा है तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं है खुशी, खुशी कर है? नहीं बल्कि आप देखिए हालांकि मैच्योर है आप वसल्लम की उम्र वो टाइम पर ट्वेंटी फाइव ईयर अराउंड बताई जाती है आ, या फिर उससे थोड़ी सी आगे पीछे आ, कम या ज्यादा तो वो अपने चचा के पास जाते हैं उनसे मशवरा करते हैं गुफ्तगू करते हैं फिर उसके बाद उनके चाचा रिश्ता लेकर अपने यानी कि भतीजे का रिश्ता लेकर फिर उनके यानी कि बीबी खदीजा रज के, के ट्स पैगाम भेजते हैं उनके आ, वालिद का तो इंतकाल हो गया था कलिद जो थे उनके वालिद उनका इंतकाल हो गया था उनके जो चचा थे अमरो बिन असद आ, उनका नाम था तो उनकी तरफ पैगाम भेजते हैं तो फिर उसके बाद बात तय हो जाती है बनो हाशिम और सरदारानुरैश की एक मजलिस में बीस ऊंट और कहा जाता है कि छः ऊंट और कहा जाता है कि कुछ और रुखिया ठीक है ना कुछ और सिल्वर के ब, आ, महर में आ, आप अलैहि वसल्लम का निकाह तय पाता है खुदबा अबू तालिब ने पढ़ा अल्लाह ताला की त सना की फिर कुरैश की जो है जो फजल और शरफ का जो जिक्र है उस उन्होंने किया क्योंकि दोनों भी खुराश कबीले से बिलोंग करते थे बीबी खदीजा भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और फिर उसके बाद आ, कल, आ, जो कलीमत है कबूलियत के वो पेश आए और इस तरीके से निकाह हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ तो आप सल्लल्लाहु वसल्लम की उम्र टी फाइव ईयर बताई जाती है और आ, ये ये जो वाक्य पेश आया ये मुल्क शाम के सफर के दो महीने या कुछ और दिन के बाद पेश आया यानी कि कुछ दो महीने तक कुछ निकाह वाला पैगाम यानी कि जो है मामला चलता रहा उसके बाद ये यानी कि निकाह का का अमल में आ गया और आप वसल्लम की उम्र ट्वेंटी फाइव ईयर्स और बीबी खदीजा रज की उम्र जो बहुत ज्यादा मारूफ है मशहूर है वो चालीस साल बताई जाती है पर कुछ रिवायतों में आप बीबी खतीजा रज की उम्र उससे कम भी बताई जाती है ठीक है ये एक बात हमारे को नहीं मालूम है बहुत सारे हम हम तो मतलब फोर्टी ईयर्स फॉर कन्फर्म श्योर हंड्रेड परसेंट समझते हैं पर कुछ अलग अलग रिवायतों में अलग अलग उनकी उम्र बताई जाती है कुछ हो सकता कि तीस पैंतीस और कुछ रिवायत में ट्वेंटी एट भी बताई जाती है ठीक है ना तो हम इसके अंदर भी क्या करेंगे यानी कि क्या बोलेंगे क्या ऑप्शन ओपन रखेंगे हम ऐसा नहीं कि बस फोर्टी इयर्स तो हंड्रेड परसेंट फोर्टी ईयर्स ही हम कंसिडर करके नहीं चलेंगे बल्कि दूसरी भी उम्र हो सकती है बहरहाल इतना तो कंफर्म है कि आप ऑलरेडी टू टाइम्स तलाक याफ्ता थी आपको ऑलरेडी औलाद भी थी और आपकी उम्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी थी ठीक है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी थी अब ट्वेंटी रहो तो भी बड़ी है या फोर्टी ईयर्स रहो तो भी बड़ी है या तीस साल रहो तो भी बड़ी है ठीक है ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज से आप जो है बड़ी एज के थे और हजरत खदीजा रजत की शादी पहले जो बताई मैं अतीक से और फिर उसके बाद अबू हाला से हुई और उनसे बच्चा भी था उसके बाद वो दोनों का इंतकाल हो गया और वो सारे बड़े बड़े सरदारों को आ, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कर दिया पर सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सत में अल्लाह ताला ने उनको अता किया और ये बड़ा शर्फ अल्लाह ताला ने दिया कि उनको उम महातमिन का शर्फ मिला यानी कि इंतकाल तो यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलेंगे जब अल्लाह ताला, ताला, ताला ने सूरह सुर नाजिल फरमाया तब वो जिंदा नहीं थी पर उनके इंतकाल के बावजूद भी ये उमाहतुल सबसे पहली उमाहतुल ये हुई है ना अच्छा यहाँ पर एक वजह खतीजा रिश्ता गया था आप की से नहीं। ना? और दूसरा के इस तरीके से जो नेचुरल जो फीलिंग है अगर किसी के टुवर्ड्स निकाह वाली तो इसके अंदर कोई खबाहत नहीं है यानी कि किसी से मोहब्बत हो जाना बुरी बात नहीं है बल्कि अगर वो मोहब्बत को जो हम अंदाज़ देते हैं वो गलत होता है अगर हम गलत अंदाज उसको दें अगर मोहब्बत किसी से हो जाए और उसके बाद उससे शरी एतबार से निकाह हो बगैर कोई दूसरे रिलेशन के बगैर कोई बातचीत के बगैर कोई मिलने मिलाने के अगर निका हो तो फिर उसके अंदर कोई बुराई नहीं है वालदेन से अप्रोच करें बड़ों से अप्रोच करें निका का पैगाम भेजें और इसके अंदर कोई बुराई नहीं है हाँ अलबत्त उसके अलावा अगर कोई जो है स्टेप लिया जा रहा तो इसके अंदर फिर क्या है गलत चीज फिर ये रहेगी ठीक है ना अच्छा हजरत खदीजा रजत से औलाद हम देखेंगे उसके बाद इन शहा पर हम लोग खत्म करेंगे कि बीबी खदीजा रजत से अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छह औलाद से अल्लाह तला ने नवाजा उससे ज्यादा भी औलाद के बारे में रिवायतों में मिलता है बहरहाल हम ये देखेंगे कि सबसे बड़े बेटे कासिम थे ठीक है और इसी से आप सलील वसम की कुत पड़ी अबुल कासिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या थी अबुल कासिम थी ठीक है इसी से अबुल आता है कि कुछ थोड़ी सी बड़ी उम्र तक पहुँचे उन्होंने उसके बाद उनका इंतकाल हो गया उसके बाद सेकेंड जो आपकी डॉटर थे वो जैनब रजत थे थर्ड रुकैया रजतना फोर्थ उम्मे कुलसुम फिफ्थ फातिमा और सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला थे ठीक है और अब्दुल्ला कब पैदा हुए आप सल्लासम की नबूवत के बाद पैदा हुए क्योंकि अब्दुल्ला की पैदाइश के बारे में आ, आ, हम देखते हैं कि आपकी पैदाइश बहुत यानी कि नबूवत के बाद हुई कि उनके इंतकाल पर अबू लहब ने किस तरीके से खुशियाँ मनाई और जंग सुरय कौसर में अगर गालिबा आप लोग मेरे साथ थर्टी जूस का सफर कर चुके हैं तो सुरय कौसर में हम लोगों ने डिटेल में देखा था न कि किस तरीके से अब्दुल्ला का इंतकाल पर अबू अबू लहब ने खुशियाँ मनाई और अल्लाह तला ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढारस दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहरे कौशर की आपको बशारत दी राइट तो फिर वो सारा वाक्य हम देख चुके हैं तो अब्दुल्ला सबसे छोटे बेटे थे और जब उनका इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा गमजदा हो गए थे और कुफार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर अबतर कहने लगे सताने लगे अब तो आपकी नस्ल खत्म हो गई इस तरीके से आपके ऊपर बातें बनाने लगे तो बहरहाल ये आप सल्ला अभी और अब्दुल्ला के बारे में आता है तो उनका लखब दो थे तैयब एक लखब था और तोाहिर एक लखब था कासिम रहो या अब्दुल्ला रहो दोनों ने बचपन में ही इंतक़ाल हो गया अलबत्त बेटियां चारों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद नबुवत में रहीं और इस्लाम भी पाया हिजरत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की और तीनों बेटियों का जिंदगी में इंतकाल हो गया जैनब रुक़ैया और उम कुलसुम रजत का और अलबत्तः बीबी फातिमा रजतना आप सल्लाम के इंतकाल के छह महीने के बाद इंतकाल हुआ जैसा हम आपको वो वाक़ मालूम है ना कि आप सल्ला जब इंतकाल मरजुल मौत पर आप सल्ला बिस्तर पर थे तो बीबी खदी बीबी फातिमा रजत बहुत ज्यादा परेशान थी आप सल्ला उनको कान में कुछ बोले तो उन्होंने रोने लगे उसके बाद फिर आप आप बीबी खदीजा खतीजा रजतना सॉरी फातिमा रजत को जब गमजदा देखे तो फिर कान में फिर कुछ बोले तो उन्होंने हंसने लगे इसके बारे में बीबी आयशा ने बहुत दिनों के बाद से पूछती है कि वो क्या बात थी जिसकी वजह से तुम पहले रोए फिर उसके बाद हंसे तो बीबी फातिमा रज फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि इसी इसी मर्ज इसी बीमारी में मेरी मौत वाकई हो जाने वाली है तो इस पर मैं बहुत ज्यादा गमजदा हुई तो रोने लगी फिर उसके बाद मेरे कान में आप सल्ला बोले कि तुम सबसे पहले अहल में, में से होगी जो मुझसे मुलाकात करोगी यानी कि सबसे पहले बीबी -बी फातिमा रजत से मुलाकात होगी तो उसके ऊपर मैं बहुत खुश हो गई और मैं हंसने लगी और, और हम जानते हैं कि बीबी -बी फातिमा रज का क्या है कि सिक्स मंथस के बाद आपके इंतकाल के इंतकाल हो गया इं बीबी फातिमा रज का जो जन्नत की सरदार रहेंगी औरतों की सरदार रहेंगी अच्छा ठीक है तो ये पांच ये जो है यानी कि चार बेटियां थे और दो बेटे थे उसके अलावा बीबी मारिया खिफ्तिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुना लौंडी थे तो उनसे आपको औलाद हुई इब्राहिम जो नबूत के बहुत साल बाद की बात है ये ठीक है ना मदीने की बात है और फिर इवन इब्राहिम का भी बचपन में ही इंतकाल हो गया और उसकी डेफिनेटली अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिमत थी अल्लाह तला ने आप सल्लाम के जरिए से बेटे कोई भी जिंदा बाकी नहीं रहे हाँ अलबत्त बेटियां बाकी रही बेटे नहीं बाकी रहे क्यों क्योंकि ये आगे बहुत बड़े फितने का जरिया हो सकता था अल्लाह तला की हिमत तो अल्लाह बेहतर जानते हैं हम हमको नहीं मालूम पर एक जो जाहिर ए नजर आ रहा वो ये है कि बहुत बड़ा फितना हो सकता अब देखिये ना कि बीबी फातिमा रजत जो आप सल की यानी कि डॉटर हैं उनसे जो औलाद है यानी कि हसन रजत और हुसैन रज और हुसैन रज की जो नस्ल है उनके मुताल ही कितने आज फिर बन गए कितने लोग फितने अलग अलग, अलग फितने रोनुमा हो गए और कैसे कैसे फिरके बन गए तो सोचिए कि अगर कोई मेल औलाद आप सल्लल्लाहु सल्लाम की बाकी रहती तो कितने बड़े बड़े फितने हो जाते उनको तो नबी बनाकर कर रिच बैठते चाहे कितना भी आप सल्ला बोल दें कि मैं खातिमी हूँ तो भी आपको जो है आपकी औलाद को नबी बना देते उस नउस उस बिला, नौसबिल्ला तो बहरहाल अल्लाह ताला वो फितना को बंद कर दिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खातिम हूँ अगर मेरे बाद नबूत बाकी रहती तो अल्लाह ताला जो है इब्राहिम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे हैं उन उनको जो है नबूत से अल्लाह ताला तवाजते पर क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबूत सील हो गई खत्म हो गई तो फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कोई मेल जो औलाद है नदीना औलाद है उनको बाकी नहीं रखा अब अल्लाह अल्लाह की बेहतर अल्लाह ताला जानते हैं डेफिनेटली अल्लाह बेहतरीन अल्लाह ताला अल हकीम है बेहतरीन हिकमतों के मालिक है हमको जो जाहरी एतबार समझ में आ रहा हम बस उतना ही बात बता रहे हैं ठीक है अच्छा यहाँ पर इनशा हम लोग एंड करेंगे और जो बेतल्लाह की तमीर है नेक्स्ट इनशा हम लोग देखेंगे और उसके बाद सीधा इनशाला हम लोग नबूआत आप सल्म की जो नबूत है उसमें डाइफ करेंगे इनशा और बहुत सारी बातें इनशाला फिर आगे हम सीखेंगे तो चलिए इनशाला यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा वक्त है अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं कोई चीज अगर नहीं समझ में आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं ठीक है ना चलिए तो दुआ पढ़ लेंगे द्रुद पढ़ लेंगे दुआ पढ़ लेंगे और खत्म करेंगे फ्लैश आप लोगों का इंशाल्लाह ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाएगा फ्लैश जरूर अटेंड कर लीजिए और वीकली आप लोग होपफुली नोट्स बना रहे हैं ठीक है ना आप लोग होपफुली नोट्स बना रहे हैं सबको नोट्स बनाना है ट्वेंटी या सिक्स ऊँट जो है एज अ मेहर है और दोनों में से एग्जैक्टली तदाद नहीं डिसाइडेड है यानी कि श्योर नहीं है और उसके अलावा दूसरे रिवायतों में ऊंट का तो जिक्र ही नहीं आता बल्कि सिर्फ चंद आ, आ, जो है क्या बोलेंगे अपन सिल्वर क्वाइंस के बारे में आता है आ, बड़ी बहन का नाम हाला गालिबन बताया जाता है श्योर नहीं है वो भी नाम आ, बीबी खतीजा रजत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीबी खतीजा रजत से सिक्स औलाद बताई जाती है और बीबी मारिया खिबिया से एक औलाद ठीक है ना तो यहाँ पर सिक्स प्लस एक टोटल सेवन आप बोल सकते हैं पर बीबी खतीजा रजतानहा से पूछेंगे अगर हम तो सिर्फ आपकी सिक्स औलाद यहाँ से मिलती है आ, खतिया रजत के बारे में इनशाला जब उनका उनकी एंट्री होगी ना उनकी डिटेल्स जब हम लेंगे अभी तो उनकी एंट्री नहीं हुई तो अभी हम उनके डिटेल्स नहीं लेंगे ये बिल्कुल भी अः पांच छह नबी के सॉरी हिजरत के आ, बा, बाद ये वाकया इनशा आएगा अबू लहब की जो हदीस हम लोग पढ़े थे हाँ वो हदीस सही है पर उससे जो आ, क्या बोलेंगे लेसन डिराइव किया जाता है या उससे जो लोग अपनी मर्जी से बातें डिराइव करते हैं वो गलत है यानी कि लोग क्या कहते हैं कि अबू लहब आ, की जो ख्वाब का जो जिक्र हम लोग देखे थे ना जो अब्बास रज़त को जो नजर आया था ख्वाब में तो उनको सिर्फ उतना फायदा हुआ जितना उन्होंने वो लॉन्डी को लॉन्डी को जो आज़ाद किया ना उतना फायदा उसको हुआ कि उसको जो है चंद खतरात पानी के मिलते हैं अब उससे ये निकाल लिए कि देखो आप सल अलाम की लोंडी को की खुशखबरी पर लॉन्डी को गुलाम करने पर इतनी बचा हैं तो लिहाजा आप सल्लाम के मामले में कोई भी कस्म का गुलू किया जा सकता है और फिर कोई भी ख़सम की अपनी मन घड़त चीजें कर सकते हैं और समझ समझ सकते हैं कि ये फायदे का जरिया होगा तो ऐसा नहीं है ठीक है ना वो जो अमल था लॉन्डी को आज़ाद करने का जो नेक अमल था उसकी बिना पर अल्लाह ने वो उनको अता उसको अता किया था अच्छा ठीक है अच्छा इनशाला ये जो पीडीएफ है आप लोगों को दे देंगे हम दुआ पढ़ लेंगे अपन सुबह ये कौन से मैप्स की बात कर रहे को क्वेश्चन नहीं समझ में आया ये जो अभी यहाँ पर जो डिस्प्ले किया जा रहा है फ्लो uh, चार्ट के जरिए से जो इलेस्ट्रेशन बताए जा रहे हैं ये अः uh, कस्टमाइज्ड है यानी कि अभी हमारे सिस्टर्स मिलकर बनाए हैं ठीक है थीके? तो ये uh, ये अगर इसको मैप कह रहे हैं तो फिर ये इलेस्ट्रेशन uh, यहीं पर फेम कुरान के इलेस्ट्रेशन है आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है और uh, दुआ भी करिए हमारे तमाम अंसारिया सिस्टर्स के लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों के लिए इजी इलेस्ट्रेशन तैयार करें ताकि आप लोगों को एक ही ग्लांस में सारा वाक समझ में आ जाए सारी डिटेल्स के साथ इंपॉर्टेंट की और डिटेल्स के साथ आप लोगों के लिए एलिस्ट्रेशन बनाए जा रहे हैं ठीक है चलिए मुलाकात करेंगे इनशाला कल जैसा आप लोगों को मालूम है कि हमारे टाइमिंग आ, हमारे सॉरी टाइमिंग्स नहीं डेज चेंज हो गए हैं हमारा इनशाला सीरत अभी वेंसडे और थर्सडे रहेगा तो इनशाला आप लोगों से कल मुलाकात होगी आगे के पोर्शन के साथ इनशाला वरक